NSDL की तरफ से मुझे पैन कार्ड मिल चुका है, लेकिन मेरे पैन कार्ड के अंदर कोई भी सिग्नेचर देखने के लिए नहीं मिलता है। और गाइस, आपके पास फोटो या सिग्नेचर नहीं देखने के लिए मिलता है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। और मेरा पैन कार्ड आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा आ रहा है, लेकिन अब जो मैंने सॉल्व करना है आपको सिग्नेचर कैसे सॉल्व करना है, आपको ब्लैक मार्कर पेन लेकर आपको इस सिग्नेचर जगह प्लेस पर आपको सिग्नेचर कर लेना है। सिर्फ आपको ब्लैक मार्कर याद रखना और आपका फोटो लगा रहना चाहिए। आपके पास फोटो नहीं लगा है तो फिर पैन कार्ड के अंदर तो फिर आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा, फिर से आप पैन के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। NSDL की वेबसाइट पे जाकर आपका जो आधार कार्ड का जो फोटो है उसको ऐड करके फिर से आपको पे करना पड़ेगा 107 रुपीज़, तो फिर से आपको एक नया पैन मिल जाएगा और एक सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हो। तो फिर ऑटोमेटिकली इसके अंदर सिग्नेचर लिख कर आ जाएगा, फॉर नया आ जाएगा, फॉर सारे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व हो जाएगा। तो फिर गाइस, ये आप देख सकते हो, ये जो मैंने ब्लैक मार्कर पेन लिखा रहा है, ऐसा आपको पेन लेना है और इससे सिग्नेचर कर लेना है तो फिर सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और गाइस, अपना पैन कार्ड सेफ रखिए। और NSDL का जो पैन कार्ड है काफ़ी अच्छा पैन प्रोवाइड करता है, और नो डाउट मेरा रिव्यू काफ़ी अच्छा रहा है पैन के साथ। पैन कार्ड काफ़ी शानदार पैन कार्ड है, कोई भी खराबी नहीं आई पैन कार्ड के अंदर, फॉर ओरिजिनल पैन कार्ड है। और डिलीवरी भी काफ़ी फास्ट हुई है, 7 डेज़ के अंदर मुझे पैन कार्ड मिल चुका है। ये जो पैन कार्ड है गाइस, ये बैंक वगैरह में आपको डॉक्यूमेंट में वेरीफाई होगा या नहीं आपको मैं क्लियर कर दूँ। ये जो पैन कार्ड है गाइस, आपने सिग्नेचर कर लिया है तो फिर ये जो पैन कार्ड है आप बैंक या किसी भी डॉक्यूमेंट में आप अटैच कर पाओगे। जब तक आप इसके अंदर आप सिग्नेचर नहीं करोगे तो फिर ये ऑफलाइन में वैलिड नहीं होगा, सिर्फ ऑनलाइन में वैलिड होगा। तो फिर गाइस, इस जल्दी से जाइए और सिग्नेचर कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।